Hello students, again I am here to learn next chapter. So today I am going to start at chapter number 3, that is addition and subtraction. You have already learned about addition and subtraction in your previous classes. So first I would like to discuss about properties of addition. Okay, first is order property. When the order of the events is changed, the sum will never change. Addends means the number that we add. तो जो number हम add करते हैं वो कहलाते हैं addends. Example 243 plus 421 is equal to 664. तो हम 243 को 421 से करें या 421 को 243 से करें, आंसर विल बी सेम. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जीरो प्रॉपर्टी. द सम ऑफ जीरो एंड द नंबर इज नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से प्लस करेंगे या जीरो को किसी नंबर से प्लस करेंगे, आंसर सेम नंबर ही आएगा. एग्जांपल 735 प्लस जीरो इक्वल टू सेम नंबर 735 एंड 0 प्लस 735 इक्वल टू अगेन नंबर इटसेल्फ 735. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. इफ द ग्रुपिंग ऑफ एडेंस इज चेंज्ड, द सम रिमेन्स द सेम. एडेंस मीन्स जिन नंबर्स को ऐड किया जाता है वो एडेंस कहलाते हैं. अगर एडेंस में टू या टू से ज्यादा नंबर्स को अगर एक ग्रुप बनाया जाए और उन ग्रुप्स को चेंज भी कर दिया जाए तो भी आंसर सेम ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 245 प्लस 448 इन वन ग्रुप प्लस 297, द आंसर विल बी 990. अगर इसी नंबर्स को हम चेंज ग्रुप कर दें तो 245 को हमने अलग लिख दिया और 448 एंड 297 को एक ग्रुप में बना दिया तो भी आंसर सेम ही है. ओके, नाउ वी विल डू एडिशन सम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टू नंबर. वी हैव 6,12,296 एंड 32,576. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड इन दिस वे, सो वी हैव टू राइट फर्स्ट इन वर्टिकल. तो वी राइट इन वर्टिकली. रिमेंबर, इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम वन साइड यू कैन डू वेरी इजी. तो वी विल स्टार्ट 6, 9, 2, 2, 1 and 6. Next number is 6, 7, 5, 2 and 3. Now we can add this number very easily. So we will start from ones place. We have 6 plus 6. 6 plus 6 equal to 2. You can notice 12 is the 2-digit number and we can write here only 1 digit. Then what will we do? We will write ones place in ones column and one in tens column. Okay, again add the tens column. 9 plus 1 10, 10 plus 7 17, and 17 in 17 7 will write here, 1 carry in 100 place. Again we will add 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, there is no carry. 2 plus 2 4, there is also no carry. 3 plus 1 4 and 6. Now we will put comma here. 1, 10, 100, we put comma here. 1,000, 10,000, again we will put comma here. The answer is 6,44,872. Okay,
Now let's see one another example. I have arranged in vertically also. Now we'll start. 7 plus 5 equal to 12. We write 2 here and 1 carry. 8 plus 3, 11. 11 plus 1, 12. 12, 2, 1 carry. 4 plus 0 equal to 4. 4 plus 1, 5. 3 plus 1 equal to 4. 7 plus 5 equal to 12. So, I will write 2 here and 1 carry. 9 plus 2, 11. 11 plus 1, 12. 2 plus 1 carry. 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. And 4 plus 1 equal to 5. Now, we will put comma. 1, 7, 100, comma. 1000, 10,000, comma. Lakh, 10 lakh, comma. Answer is 5,62,24,522. Okay, got it? Now we will going to start word problem. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व में आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको आंसर में भी सॉल्यूशन में भी स्टेटमेंट ही लिखना होता है. तो क्वेश्चन आर अ चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूस दीज चॉकलेट्स इन जनवरी, दीज चॉकलेट्स इन फेब्रुवरी एंड दीज इन मार्च. दैट मीन एक चॉकलेट फैक्ट्री है जहां पर 12,35,450 चॉकलेट्स बनती हैं कब जनवरी में, 20,25,800 चॉकलेट्स फरवरी में एंड 15,20,875 मार्च में. व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स वर प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स. वी आर टॉकिंग अबाउट 3 मंथ्स, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च. तीनों मंथ्स में मिलकर के कितनी चॉकलेट्स बनती हैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट होल और वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल, देन वी विल ऐड. ओके, तो आंसर इज सॉल्यूशन. वी हैव टू राइट स्टेटमेंट आल्सो. चॉकलेट प्रोड्यूस इन जनवरी, दीज नंबर. चॉकलेट प्रोड्यूस इन फरवरी, दीज नंबर. एंड चॉकलेट प्रोड्यूस इन मार्च, दीज नंबर. नाउ वी विल ऐड बिकॉज वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर. We will start from one side. 0 plus 0, 0. And 0 plus 5 equal to 0 plus 5 equal to 5. 7 plus 5 equal to 12. We will write 2 here and 1 carry. 8 plus 8, 16. 16 plus 4, 20. 20 plus 1, 21. We will write 1 here and 2 will be carry. 5 plus 5, 10, 10 plus 2, 12, 2, 1 carry, 2 plus 2, 4, 4 plus 3, 7, and 7 plus 8, 7 plus 1, 8, there is no carry, 5 plus 0, 5, and 5 plus 2, 7, 1 plus 2 equal to 3, and 3 plus 1 equal to 4. Now we will put comma. 1, 7, 100, we put comma here, 1000, 10,000, again we put comma here, and 47. So answer is 47,82,125. Thus, total 47,82,125 chocolates produced in 3 months. Got it? I hope it will be clear. Now I am giving you homework. Question number 1. Fill in the blanks. आपको मैंने properties समझाई हैं. उसके according आप fill in the blanks easily कर सकते हो. Next question is find the sum. And sum means addition. तो आपको ये sum करना है. इसके अलावा आपके book में बहुत सारे questions हैं addition के जो आप घर पे practice कर सकते हो. Okay, thank you so much.